नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। एक बार फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था के पोल खोलती हुई तस्वीर भागलपुर से निकल कर आई है, जहां सेंटर परीक्षा के दौरान छात्राएं खुलकर चीट करती हुई नजर आई हैं। आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से बिना किसी डर के छात्राएं जो है वो नकल कर रही है और कोई शिक्षक भी वहां उपलब्ध नहीं है ताकि छात्राओं को चीट से रोक सके। और आपको बता दें कि सेंटर परीक्षा के बाद ही छात्राओं को मैट्रिक की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। इसको लेकर आज सेंटर परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन जब तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं कि छात्राएं बिना किसी डर के अब नकल कर रही हैं, और जब इस विषय में वहाँ की प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल जो है वो कैमरे के सामने आने से बची हैं। और इस विषय में जब जानकारी पहुंची है जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के पास, तो उन्होंने इस विषय में क्या कुछ बताया है, आप उन्हें सुने। कि हमारे विद्यालयों में जो संसाधन है उस संसाधन के आलोक में हम लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बेंच डेस्क और कमरे की संख्या उतनी पर्याप्त नहीं है जितना हम लोग ऐसे के एग्जामिनेशन में खास करके विद्यालय के समान एग्जामिनेशन में करा सकते हैं। नतीजा ऐसे कि जो बच्चे हैं जितने संसाधन हैं उसी पर बैठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की संख्या अधिक रहने के कारण प्रधानाध्यापक के द्वारा 3-4 बच्चों को बैठाया गया है। तो क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल, ऐसे कि हम लोग ऐसे कि और विभाग द्वारा इस पर ऐसे पहल भी की जा रही है, बेंच डेस्क से परचेजिंग करने के लिए राज्य से ही ऐसे किए दिशा निर्देश जारी हो रही है, और वहीं से एक साथ ऐसे कि सारे विद्यालयों को बेंच डेस्क से परचेज करके उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले में कार्रवाई हो रही है सर? कार्रवाई है, जैसे ही आपने ऐसे कि वीडियो हमारे को शेयर किया मैंने ऐसे कार्रवाई ऐसे कि प्रारंभ कर दी है। तो आपने भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सुना, जिन्होंने बताया है कि संसाधनों की कमी और स्कूल में बेंच की कमी है और साथ ही साथ क्लासरूम की भी कमी है। इसको लेकर जो छात्राओं को एक साथ बैठाया गया है और इसी को लेकर अब छात्राएं इसका फायदा उठाती हुई और नकल करती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि दरअसल ये जो तस्वीरें निकल कर आई है वो भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित राजकीय इंटर स्तरीय विद्यालय की है, जहां 10वीं कक्षा की सेंटर परीक्षा के दौरान छात्राएं खुलकर चीट करती हुई नजर आई हैं। तो बता दें कि ये कोई नई तस्वीर निकल कर सामने नहीं आई है, जब एक शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही है। दरअसल बिहार में आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है कि कभी छात्राओं को स्कूल में कई तरह की परेशानियाँ होती है, बेंच की कमी होती है, तो कभी छात्राओं के लिए एक बेहतर शौचालय की व्यवस्था भी स्कूल में नहीं होती है। लेकिन इस बार जो तस्वीर निकल कर आई है वो सीधे सवाल शिक्षा व्यवस्था पर खड़ा कर रहा है, क्योंकि सेंटर परीक्षा चल रहा था, इस दौरान छात्राएं खुलकर नकल कर रही है और इधर भी कोई शिक्षक नजर नहीं आ रहा है ताकि छात्राओं को रोका जा सके। तो इस विषय में फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।